की दृष्टि से वैष्णो देवी मंदिर सरकार ने लिया और ठीक ठीक चल रहा है जगमोहन जी थे वो श्रद्धालु थे इसलिए ठीक हो गया लेकिन जहां ऐसा नहीं है वहां क्या हो रहा है है लूट चल रही मंदिरों की जमीन बेची गई मंदिर की संपत्ति हड़पी जाती है हिंदू मंदिरों की संपत्ति अहिंदू जिनपो जिनको हिंदू देवी देवों पर श्रद्धा नहीं है उनके लिए लगाई जाती है हिंदू को भी आवश्यकता है वहां नहीं लगाई जाती और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी है सब प्रकार के हैं भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि मंदिर के मालिक भगवान है और कोई नहीं हो सकता पुजारी केवल व्यवस्थापक है यह भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि सरकार व्यवस्था उत्पन्न करने के लिए कुछ समय तक ले सकती है एक दो तीन वर्ष उसके बाद वापस करना पड़ेगा और इसलिए एक बार इसका निर्णय होना चाहिए ठीक से और निर्णय यह भी होना चाहिए हिंदू समाज इन मंदिरों को कैसे रखेगा हिंदू समाज की क्या व्यवस्था है अपने मंदिरों को जैसे वो पहले समाज के जीवन के केंद्र हुआ करते थे वैसे चलाने का क्योंकि हिंदू समाज की श्रद्धा जगे हिंदू समाज का बल जगे हिंदू समाज के लोगों के आपत्तियों का निवारण हो उनको श्रद्धा मिले उनको सहारा मिले इस दृष्टि से हिंदू समाज की ये जो सारी व्यवस्थाएं आज भी है पतित हो गई है उनको ठीक करने के लिए हिंदू को जगाना पड़ेगा क्योंकि हिंदू समाज का ऐसा होना ही सारी बातों का आधार है हमारे देश का स्व आध्यात्मिक है उसमें अनेक पूजाएं आ सकती है बाकी पूजाएं समाई भी जा सकती है वो पूजा पर निर्भर नहीं करता शासन प्रशासन देश को कैसे चला गया एक बात होती है लेकिन देश को तो सही अर्थों में समाज चलाता है और अपने समाज का जो स्व है वो स्व छोटी पहचानों के संकुचित अहंकार को भूलकर उनको स्वीकार करना पहचानों को उनका पूर्ण सम्मान करना उन सब पहचानों को आदर और विकास का अवसर मिलना परंतु उसके अहंकार में फंसना नहीं उससे बड़ा हम सब एक समाज है यह संपूर्ण भारतवर्ष हमारी मातृभूमि है राष्ट्र हमारे यहां राज्य आधारित नहीं है नेशन स्टेट नहीं है हमारे यहां जनपदवती भूमि ये राष्ट्र का आधार है जनपद याने समाज समाज याने केवल भीड़ नहीं समाज याने एक समान लक्ष्य लेकर आगे बढ़ने वाला समूह परस्पर आत्मीयता की संब, का संबंध रखने वाला एक मातृभूमि भूमिका अपने आप को मानने वाला यह भारत व्यवस्थाओं में भी विविधता लेकिन सदैव एक राष्ट्र रहा है और उसका स्व है सभी विविधताओं का स्वीकार सम्मान सब उपासनाओं का हम स्वीकार कर सकते हैं। ये बात सही है कि उपासना आक्रमणकारियों के साथ भी दुनिया की दो यहां आई है शरणार्थी होकर भी दुनिया की दो उपासनाएं यहां आई है यहूदी और पारसी इस्लाम और ईसाइय आक्रमकों के साथ प्रवेश कर गई है आक्रमकों के साथ बड़ी लेकिन वो इतिहास हो गया उन आक्रमकों के साथ नाता नहीं है किसी का सब अपने उन हिंदू पूर्वजों के वंशज है जो इस विविधता को एकता का ही आविष्कार मानकर सबका स्वीकार सम्मान करते थे आपस में प्रेम से मिलजुल कर रहते थे और सभी एक दूसरे का आदर करके चलते थे उन्हीं हिंदू पूर्वजों को सब पहुंचे जाए वही भारतवर्ष सबकी मातृभूमि है जिसके सिवाय किसी को गति नहीं है और कहीं और उसकी यह सबको अपना मानने वाली सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा ऐसा गौरव से जिसको कहा गया है मनुष्य में मनुष्यत्व को जागृत करने वाली उस संस्कृति का असर सब पर है उस संस्कृति को मानकर सब पर चलना यह सब ने मान्य करना चाहिए इसमें किसी को पूजा नहीं छोड़नी पड़ती भाषा नहीं छोड़नी पड़ती कुछ नहीं छोड़ना पड़ता अपना कट्टरपन अपने मन के अलगाव की भावना और अपनी छोटी पहचानों का अनुचित अहंकार छोड़ना पड़ता है उसका गौरव सुरक्षित रह